सारे भैया ने राम राम भाई। अभिमन्यु मूवीज़ यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक। और अब ओल्ड इज गोल्ड की मुहिम के तहत आज फिर हमारे साथ एक हरियाणा के एक स्टार स्टॉपर टॉप के कबड्डी खिलाड़ी संजय बडेसरा जी हमारे साथ हैं। तो पहलवान जी राम राम। राम राम पहलवान मलिक सर। पहलवान जी फिट हो? फिट बिल्कुल। पहलवान जी एक बार मैं चाहूँगा आप अपना परिचय खुद दर्शकों को दो। मलिक साहब मेरा नाम संजय है, मेरा गांव बडेसरा और तालू दोनों ही मेरे गांव हैं, क्योंकि मैं बचपन से ही पिताजी छोटे ही तालू आ गए थे और मैं कबड्डी अपने बडेसरा में खेल रहा हूँ शुरू से। आपका एक्चुअल जो गांव है वो तो बडेसरा है बट आप रहते तालू में हो? हाँ बिल्कुल, शुरू से ही तालू में छोटे है पिताजी है छोटे है आ गए थे। तो आपने कबड्डी जो खेली है बडेसरा की टीम में खेली है? बिल्कुल, बडेसरा की टीम को उसी को देख के मैंने भाई कबड्डी गेम पकड़ा था, भाई बढ़िया टीम है अपनी और उन्हीं प्लेयरों को देख के मैंने शुरू किया था, मैं उसी में खेल रहा हूँ। पहलवान जी कितने पढ़े लिखे हो आप? भाई बीए पास हूँ ग्रेजुएट। अब जॉब करते हो? मैं हरियाणा पुलिस में एसआई। तो पहलवान जी हाइट और वेट और बताओ अपना। 6 फुट हाइट है, वजन फिलहाल 100 किलो वजन है और खेलते समय मेरे में 92-94 ये वजन है। पहलवान जी जैसे आपने बोला भाई उनको देख के बडेसरा की टीम को देख के कबड्डी खेलना शुरू कराया? टीम बढ़िया थी बिल्कुल, जहाँ जाती थी वहीं फर्स्ट आती थी और मैं उस टाइम पर कबड्डी वैसे प्रैक्टिस कराया करता, कबड्डी खेलनी नहीं शुरू करी थी तो मैं अचानक मैच हुआ करते वहाँ मैच देखने जाता, भाई टीम है गाँव की टीम है और भाई मैं इसमें खेल भी सकता हूँ, इन प्लेयर भाई उनको सभी अच्छे प्लेयर थे उनको देख के मैंने कबड्डी सर्कल कबड्डी खेलना शुरू किया। कौन से सन में आइडिया? मैं जी छणमा स्तणमा में मैं देख रही थी, स्तणमा ठाणमा मैं टीम में खेलने लग गया था गांव की में ओपन मैच सारे मैच। लास्ट कब तक खेल? लास्ट में 2009 ना तक खेला हूँ, फिर घुटने में चोट लगी, ऑपरेशन होया, मैं बाद में नहीं खेला। फिट नहीं हो पाए? नहीं फिट नहीं होने पाया बिल्कुल, ज़्यादा दर्द रहता था घुटने में और फिर अब आराम है लेकिन उस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा दर्द था। जब आप खेलने लगे आपने कही है भाई आप ओपन खेलने लगे तो उस टाइम पे कौन कौन थे टीम में? मैंने खेलना शुरू कराया उस टाइम पे रेडर थे विजेंद्र और अपने पंडित जी सुरेंद्र काला रेडर थे हमारे टॉप के, और विजेंद्र और एक विजेंद्र और था आर्मी में लग गया वो कैचर था, एक सोमवीर और मैं, 4 कैचर थे। तीनों पहलवान जी बाद में आए? नहीं मेरे से पहले वो तो टॉप थे, मैंने शुरू कराया जब सही स्टार प्लेयर हो उस टाइम पर कति स्टार टीम थी वादो फिर कति? हाँ जिस टाइम पर मैंने खेलना शुरू कराया तो स्टार उस टाइम पर स्टार थी वो टीम, टीमों काला सुरेंद्र रेडर थे और सोमवीर और विजेंद्र कैचर थे। अच्छा तो पहलवान जी आप उस टाइम पर फिर तालू में रहा करते प्रैक्टिस गांव में उड़ो करते तो कैसे एडजस्ट कर रहे थे? भाई ज़्यादा 13 किलोमीटर का फैसला बडेसरा और तालू का, तो मैं शाम को चला जाया करता ऑफ सीजन में, बाकी तो मैच लगते उस टाइम पर तो मैच शाम चले जाया करता, नहीं मैं चला जाता वहाँ बडेसरा शाम को चला जाता, घर था ही वहीं, रुकना होता रुक जाता नहीं वहाँ जाता। अच्छा तो पहलवान जी आपके कोच कौन हैं? गुरुजी? गुरुजी मलिक साहब सारी टीम कोच है मेरी, तो उन्हें सीख क्या सारा सुधा, फिर कुछ कमल कोच साहब कोई माने मैंने कोच अगर कोई है तो कमल कोच मंडाना, उन्हीं को मैंने उन्होंने मेरी वो भी करी है पूरी भाई, हाँ ये मेरा उन्हीं का नाम है और बाकी सारी टीम से शिक्षा ये मेरे से सीनियर है टीम। अच्छा तो पहलवान जी जैसे मैं अपने इंटरव्यू आप मेरे इंटरव्यू देखते रहो मैं सवाल पूछा रहा हूँ बेस्ट रेडर बेस्ट कैचर, तो आपके भी कोई बेस्ट रेडर बेस्ट कैचर होंगे? पहलवान जी मलिक साहब बेस्ट कैचर है विजेंद्र मेरे गाँव से, जो उससे बढ़िया कैचर मैंने वही है बेस्ट मेरा कैचर, और रेडर हैं मेरे 3 रेडर हैं जो मेरी पसंद के हैं वो मैं घाटबाद नहीं मानता उनमें, टीमू हम और सुरेंद्र काला और जग्गू सौर की, ये आपके बेस्ट है तीनों? तीनों में इनको किसी को बस एक ही हैं मर्द रेडर हैं बढ़िया अच्छे, और रेडर तो सभी बढ़िया हैं जो कबड्डी खेल रहे हैं जिनके आप इंटरव्यू लो हो सभी टॉप के रेडर हैं मेरे नज़रिए से बताया मैं। हाँ बिल्कुल जो आपने अच्छा लगे थे अपना मैंने ये अच्छे लगे उसके किसी ने और कोई अच्छा लगता हो किसी ने कोई लगता मैंने इन तो बढ़िया रेडर कोई को लगता उस टाइम पर तगड़ी टीम हो रही स्टार टीम सारा फाइनल खेल रही थी, तो दूसरे भी कोई फाइनल खेलने होंगे वे कौन थे? फाइनल मैच मारा जैसे डोले गल भी आ जाया करता
कभी खर गला एक पंचायत होती तो लगभग खर कहा करती फाइनल में। अगर रड़ा में होते एक प्लेयर बाहर का दो प्लेयर बाहर के फिर तो बहू आ गई मोखरा आ गया, मोखरा भी आ जाता बहू भी आ जाती और या धनोरी धनोरी गला भी हुए फाइनल मैच। लेकिन पंचायती मैच में प्योर पंचायत में खरक ज्यादा आ गया। अच्छा तो पहलवान जी शिल्ला पहलवान जी रहे शिल्लर गल्ला मारा फाइनल मैच, अगर और टीम हुआ और ग्रुप में कौन हारा एक मारे गल्ला फाइनल आ गया। तो पहलवान जी तगड़ा कोई मैच याद है आपका जिसमें आपने तगड़ा प्रदर्शन कराया हो अच्छी कैच मारी हो हारा मैच जिताया हो? सब घने मैच सही से। तो एक तो खरड़ हुआ था डोले गल्ला, मैं कपड़े कौन काट रहा था मेरा चोट लग रही थी वैसे ही बैठा था ग्राउंड में तो कैच कौन बनी उधर थी, कई बार हो जाता है हमारे कैचरों से कैच नहीं बनी तो 500 टीम पहलवान बोले भाई कुर्ते काट ले कपड़े काट ले, तो उसमें मैंने 4 कैच लगती मारी थी। फिर ओरा ने भी विजेंद्र ने मार दी फिर तो एक तरफा कर दिया, लेकिन उस टाइम पर 1-2 नंबर वो आ गए थे। तो पहलवान जी पंजाब खेले? पंजाब में 1-2 बार गया हूँ मैं बस, वहाँ भी शायद कुछ जाना जुना कौन करता इतना टीम का गला चला गया था। जी विदेश का भी शायद कोई दौरा नहीं? नहीं नहीं विदेश का कोई दौरा नहीं, अपना आड़े खेले जितने मैच हरियाणा में ज़्यादातर। एक बार भी नेशनल में तो गए हाँ, बिहार पटना गए हाँ, राजस्थान में भी गए हाँ, बाकी वैसे बाहर दूसरे देश में जाने का कोई। जी बड़े सर के अलावा कौन सी टीम स्टार माननी अपना है? बड़े सर के अलावा आपका टीम पर कति स्टार भाई पंचायती में? देखो बड़े सर के अलावा तो एक तो खरक जाटान बढ़िया टीम थी, प्योर पंचायत में तो बढ़िया ही थी, बहुत बढ़िया मारत सुबह को नहीं कटिया कर दिया, मोखरे की भी बढ़िया थी। पहलवान जी जैसे जिस टीम डोला टीम भी बढ़िया थी ना, डोला अगर हम नहीं होते तो वह फर्स्ट ले जा करती, दो राइडर बढ़िया थे, कैच भी बहुत बढ़िया थी, डोले की टीम भी एक पंचायत की बहुत बढ़िया थी। और अगर एक प्लेयर दो प्लेयर अड़ान में तो वह प्लेयर कभी किसी टीम में खेल रहे हैं कभी किसी में, एक जगह हुआ मजबूत पा जा एक जगह दूसरी मजबूत पा जा, वो प्लेयर में बात थी भाई कौन सी प्लेयर किस समय खेल लगा भी मौका आया सोच के ग्राउंड में गए या टीम ही बार हरा जाएंगे हार गए हो ना, इसी बात का देखो नहीं हुई। पहलवान जी देखो क्या है कि बेस्ट तो प्लेयर तो बेस्ट होता है लेकिन एक आदर्श प्लेयर भी होता है जो इंसान भी अच्छा प्लेयर भी अच्छा, आपका कोई है? भाई हमारी टीम के तो सारे आदर्श हैं, मेरे अच्छे भी हैं और प्लेयर भी बढ़िया हैं, नहीं ने कदे किसी का घमंड कराया और नहीं कोई मरोड़ दिखाई भाई मैं नंबर लिया तो भाई मैं कूद गया हूँ और कोई कर दिया हो। जैसे आपने कूदने वाली बात करी ये स्वैग हो नखरा हो है, जब आपने किसी भी अच्छे रेडर को कैच मारे तो आपने उंगली उठाना या भाई कुछ भी इशारा करना आपने अच्छा समझा? नहीं मैंने तो नहीं तो कराया कभी और न कोई करणिया मेरा पसंद था, मतलब थोड़ा हाँ एक प्लेयर में नखरा होता भाई मैं नंबर एक कई बार क्या हो रेड रेड मारे है और कैचर ने कैच मार के हाथ ऊपर कर दिया थोड़ा वो कर दिया तो अगली बार उस रेडर का भी हक बने है भाई मैं भी कुछ भाई ले गया मैं उसका करे कुछ। आप जब कैच नहीं लगी रेडर चला गया उसने नखरा कर दिया उंगली उठा दी सात लगा हाथ मार दिया कुछ भी कर दिया तो क्या उसका जवाब दिया करते? हाँ बिल्कुल जवाब देने की कोशिश हुआ कर दी उसके नहीं भी देश का लेकिन अपनी तो यह थी भाई इसकी कैच मारा फिर एक बार हम भी करा ये जो इसने नखरा करे। ईसा कोई रेडर है आपकी नज़र में? ईसा रेडर तो कई बार सूच बैठे ईसा तो जैसे एक बार दनाना मैच थे तो एक नंबर ले गया था एक बार तो उसने नुए आंगली करी थी भाई कूद का दी आगे लगेड़ मार ली उसकी कैच जवाब दे दिया। तो पहलवान जी जब एक चैन सेट खड़ा हुआ है चार कैचर एक चैन सेट में होते हैं सामने से रेडर आता अच्छा चिकना लगा रहा होता है तो पकड़ कम हो जा है और चिकने की वजह से जब कोई प्लेयर ना था हो तो किसा लगा? उस टाइम पर चिकने की वजह तो नहीं था ना बहुत दुखा हुआ है भाई यू चिकने के कारण तो लगड़ गया हूँ तो ठहर रहा था भाई गलत लगा रहा है अपनी जान का कारण थोड़ा ही चिकना इस जब तो लगा रहा है इसने अपना विश्वास नहीं है मैं नंबर ले आऊँगा भाई अपने तो आप वाले रेडर भी तो लगाऊँ अपने एक और मैं बताऊँगा अपने बात जो हमारे रेडर वैसलिन या चिकना लगा कर देना दूसरी टीम लगा रही होती ना भाई ये लगाया है गच होया है उस टाइम पर लगा कर देनी पहले लगा के नहीं गए फिर हम भी नहीं सोचते भाई ये लगा रहे हैं ना तो तुम भी लगाओ भाई मारा क्यों हंगा लुआओ फिर मारी भी रन मट्टी होगी ये लगा रहे तुम भी लगा नहीं मारी टीम पर ले चिकना लगा के नहीं गई कभी। तो
पलवन जी आप वैसे इसका विरोध में? बिल्कुल, चिकना बाद में तो हो गया था, बाद में तो चिकना लगा करते उसको बाहर ही निकाल दिया करते टीम ने सेक्रेस, फिर आदमी अपने आप पे कौन लगा। पलवन जी जैसे भाई ड्रग्स वगैरह भी आ रहे हैं आजकल, तो ड्रग्स पे क्या बोलोगे? भाई मलिक साहब अपन तो ड्रग्स ने देखा, हाँ देखे मैंने कुछ प्लेयर, मैं नाम तो नहीं लूँगा, उनने अपने जो डड़ लिए उस टाइम पर कुछ यूज करया है, वो इंटरव्यू में मना भी करते हैं लेकिन वो सरासरी झूठ बोल रहे हैं, उनने यूज करया मैंने देखा खुद ने, लेकिन उन्हें स्टार्टिंग में तो नहीं करया भाई, प्लेयर बनने खातर उन्हें चमकन खातर करया हो, लेकिन बाद में भाई थोड़ा ढीलापना भाई जन और कुछ दिन खेल लिया हम इसका सारा। लेकिन आप क्या कहोगे, आपने कोई यूज नहीं कराया या आप भी झूठ बोलो? मलिक साहब देखा नहीं, नाम भी कोनी याद कि भाई या चीज़ सोची भी कोनी भाई या चीज़ यूज कर लिया। आप किसी से कम खेला करते हैं? मलिक साहब वो तो पब्लिक बताओ भी, हम तो अपना आपकी क्या तारीफ करेंगे, मतलब एक तो ड्रग्स लगा खेल है, एक्स्ट्रा पावर एक्स्ट्रा एनर्जी आती हो। मैं तो अपना आप में कोई कमजोरी महसूस नहीं करी, कहते मैच की बात अलग है भाई, जो मैच तो रेडर भाई बढ़िया रेडर है तो कैच कम खाओगा, अगर थोड़ा कमजोर है तो उसकी एक दो कैच फालतू मार लेंगे, बाकी जान की तो कदे कमी महसूस करिए कौन, थोड़ी स्पीड की कमी थी मेरे अंदर, वजन ज़्यादा था, स्पीड थोड़ी ही। स्टार टीम में खेलने का फायदा तो खूब मिला भाई मलिक साहब? बिल्कुल मिला, ये तो था ही कोनी भाई, कितने टीम एंट्री होगी भाई, फर्स्ट आने की तो सोची कोनी भाई, फर्स्ट आना से फर्स्ट तो थी, या मन में एक यो बोझ कौन था भाई हमारे की आवागी। बेस्ट कैचर आए कितने? बेस्ट कैचर कई जगह आए मलिक साहब, एक बार तो धनाना आया था मैं सरू जट, उसमें मैं धनाने की टीम में खिला लिया, तो मैं क्यों वहाँ पढ़िया करता, तो उनने मैच थे और आपके मुखरे गला मैच था उनका, उन्हें खिला लिया था मैं मारम खेल ले, तो अपने मैं उस मैच में खेल लिया था, तो उसमें मैंने 3-4 रेड कैच लगती मारी थी, तो उसमें मेरे को 1100 रुपये दिए थे पहली बार, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद 2-3 कई बार हो रहा है? हाँ उस टाइम, उसके बाद एक बार ननाणा स्टेट चैम्पियनशिप थी, उसमें भी 1100 रुपये दिए थे, वो अपने परवीन फौजी पर लगाए थे, अब भाई साहब आ रहे थे, इसकी कैच को मारा 1100 मेरा सुध बैठी गया। अच्छा पलवन जी उस टाइम पर इनाम किस तरह के हुआ करते, ज़्यादा से ज़्यादा आपने कौन से नाम जीता भाई, जड़े सबसे ज़्यादा नाम था? मलिक साहब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने जा रखी है, नाम थी शलाना सोनीपत में, वहाँ हम फर्स्ट आए थे, फिर एक 41,000 की और थी, 31,000 की मैम, ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 नाम थी, कई हरियाणा पंजाब के मैच में 1,00,000 की या और बाकी 85 मैच हम तो 51,000 की तो शलाना थी, और 31,000 की मैम दांगी साहब ने मैच कराए थे, वो हम ये फर्स्ट आए थे। बोलो जी जैसे मेजर गेम में चोट पेट तो बहुत ज़्यादा रमे हैं, तो आप? मलिक साहब मेरा चोट लगी ना घुटने, वो मैंने पता नहीं कहाँ लगी थी, आस्ते आस्ते दर्द शुरू हो गया बस, वो पानीपत का नहीं खेलना थे उस दिन, तो दर्द शुरू हो, लेकिन लगी जब का पता नहीं, वही मेरा चोट लगी पकड़ के बैठ गया हूँ घुटने को, या ऐसी कोई बात नहीं, बढ़ता चला गया बस, वो बढ़ता चला गया आस्ते आस्ते, तो ऐसा हो गया भाई 2-10 मिनट बैठ गए तो फिर उठ के चलना है मुश्किल है। परिवार में सबसे ज़्यादा सहयोग किसने कराया? पूरा परिवार का सहयोग था, पूरा परिवार का, पूरे गाँव का भी भाई खेल है, मैं एक बार मैंने टीम में शुरू नहीं करा था खेलना, तो तालू मैच थे उसमें मैं खेल लिया था, एक मैच मिथाथल गला मैच था, मैं जब तक कबड्डी खेलनी शुरू कर दी हुए तो उसमें वैसे कैच अच्छी मार दी थी मैंने, 5-7 कैच बढ़िया मारी, जो कि नॉलेज भी नहीं थी वैसे भाई, तो उसने भाई कई आए कर कहना भाई इसने कबड्डी खिलाओ बढ़िया खेला है ठीक है तो ये भी ठीक है, तो उस टाइम मेरे भी लगन सी होगी भाई उस दिन थोड़ा। कबड्डी जगत का सबसे पक्का दोस्त मित्र कौन है आपका? मलिक साहब सारे दोस्त हैं, किसे आज के दिन कोई सा कौन जिसते हैं मेरी कोई झगड़ा हो रहा है, और सारे अच्छे हैं मेरे मित्र। नए जो नए बालक है बिल्कुल स्टार बालक है, नया में भी कोई बेस्ट कैचर है आपका, बेस्ट रेडर है? नहीं मलिक साहब नया का मैं आपने सही बताऊँ, मैं कोई मैच यूट्यूब पर एक आधी बार मैच देख लूँ हूँ, मैं मैच देखने बस जान का कौन ड्यूटी की उस तस्वूत को नहीं बैठे, फिर ये रात ना मैच हो गए कि चले भी जावा कितने नज़दीक, तो फाइनल मन मान रात ना 2:30 बजे कराँ तो वापस आ जावा, फिर फाइनल तो देख पावा को नहीं, तो चल क्यों क्या फ़ायदा है, ये कमी है, अगर फाइनल हो जाते हो ना दिन दिन में तो कई बार देख भी जावा। जी किसकी कमी है ये जो रात को मैच हो? रात की तो मलिक साहब या तो कमेटी, जो काम खेल करा रहा हुआ कमेटी है, वो अगर मैचे नहीं कहेगी भाई आज जैसे 5-6 बजे दिन छपे तक मैच ख़त्म नहीं हुए, अगर वो बाद में कहेगी भाई कल होंगे तो कल आना पड़ेगा उन्हें,
अगर वो मौका देंगे लाइट का पर बंधा ये है समाप्त करो तो फिर तो प्लेयर तो रोएंगे, वो तो ठीक है आज रात कट जाएगी मैच हो जाएंगे। या कमी तो मैंने काम की कमेटी की है जो मैच करा रही है, अगर वो मैच नहीं कराऊंगे तो कैसे दिन में होनी चाहिए, दिन में होनी चाहिए बिल्कुल। आधी पब्लिक तो मैच न्यू नहीं देखती, एक भाई फाइनल तो देखने को नहीं, वहाँ रात ना होगा 3 बजे, इतने किसे ने धार काटनी है, किसे ने मैच सही करनी है, वो वापस आ जावे हैं फाइनल मैच और किसे पूछे कह फिर फोन पर देखो मैं कि सुने हैं वो देखने तो नहीं पाते। पहलवान जी कबड्डी जगत के लिए आपके पास कोई खास सुझाव है? सुझाव मलिक साहब यो है भाई रात ना मैच ना कराओ पहली बात तो, एक यू नए नए बालक हैं मान लीजिए शुरू करने से पहले ये देखें भाई कौन सा डब्बा बढ़िया काम करेगा, वो या पूछ के वो डब्बे ले आके फिर प्रैक्टिस करने चल रहे, ये तो एक किसी ने डरदे प्लेयर ने ले ली नहीं तो अपने गीत उत्ते स्टार्ट करो और मेहनत करो, या नहीं करनी चाहिए। और एक रात के मैच नहीं हो या तो कमेटी और रेफरी ये करेंगे ना भाई रात के मैच नहीं होने चाहिए, तो टाड़ो ही पड़ी है। बहुत बढ़िया सुझाव पहलवान जी यार, बहुत बढ़िया इंटरव्यू दिया। पहली बात तो हम तुम कौन थी भाई मलिक साहब मार दोहराऊंगे, इतने बड़े प्लेयर कौन थे हम तो, इतना बड़ा तो मैं भी कौन है, तो आपने तो ये सारा हरियाणा का बच्चा बच्चा जाना है, आवाज़ तो पहचान जाऊँ मलिक साहब की आवाज़ से, बाकी हम तो उम्मीदें कौन थी आप मार दोहराओगे भाई इतने। पहलवान जी आप लोग हमारे आइडल हो, हम आप लोगों को देखते हैं, आप लोगों का गेम देखते हैं, बड़ा आनंद आता है, हमने आपका गेम देखा है, आप थे स्टार और आप तो उस टीम में खेले हो, वो कह नहीं रहा नाम ही काफ़ी है। मलिक साहब यह तो बात होगी हमारी टीम में सारे स्टार थे, उसके कारण मैच मारा पब्लिक का भी कम ध्यान गया थोड़ा भाई, जिसके टीम में विजेंद्र बड़े सारा कैच मारने लग रहा उसमें तो विजेंद्र दिखे वो और प्लेयर थोड़े ही अनदेखे हो जाए हैं। एक और कारण वो है सीनियर प्लेयर है वो, और जूनियर ने थोड़ा ये कह दे भाई आपने नहीं छेड़ना है मैच जीतना है ये, तो हमने तो उसकी सीनियर की माननी पड़े, लेकिन पब्लिक ने इस बात का नहीं बेरा होंदा भाई यो कैच नहीं, उसने तो ये दिखे भाई यो है कैचर तो बस सब यो ही पकड़ लगा, यो ही पकड़ लग रहा है अरे यो ही प्लेयर है और तो, लेकिन हमने ऐसी बात नहीं भाई सीनियर की माननी है हमने, चाहे मारा मैच दिखो ना दिखो भाई, अगर पहलवान ने मना कर दिया तो कौन छेड़ते। आज कबड्डी से कितने संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट हूँ मलिक साहब, मैं कबड्डी तो कई कारण आज आप मेरे पास आ रहे हो और कबड्डी तो है कुछ, कबड्डी का कारण मैंने नौकरी मिली है, वैसे तो क्या पता लगते नहीं लगते, मैं खेल कोटे से भर्ती हुई हूँ हरियाणा पुलिस में और कबड्डी का कारण है जो कुछ है। पहलवान जी एक बात पूछनी थी, जैसे कई बार बातें उठ के आती हैं कि भाई एक रेडर, कई रेडर बोलते हैं भाई मुन्ना जो कैसे बर्मा पहलवान था, जैसे भाई जग्गूसोर की न कही, जैसे भाई कई प्लेयर ने कही भाई मैं एक लाए 40-40 रेड मारा करता पूरे मैच की, तो पहलवान जी इस पर क्या कहोगे? मलिक साहब ये मैंने खुद देखा है 40-40 रेड एक 20-5-20 के मैच हुआ करते, पहले 20-5-20 के मैच में मैंने लगातार मैच रेड मारदा, एक मैच में नहीं मैंने पूरी टूर्नामेंट में लगती रेड मार, एक तो टीम पहलवान अपने मेरी टीम के हैं गांव से लगती मैच मैंने मैच देखे उसके पहले चांग मैच हुआ करते लगती रेड मारा करता टूर्नामेंट में, मैच में नहीं 20-5-20 का मैच में बहुत 40 क्या रेड पाँच फालतू भी हो जाते हैं, बराबर रह जाए फिर और मारनी पड़ जाए फिर मारनी पड़ जाए, वो मैंने पूरी टूर्नामेंट में देखा है। दूसरा जग्गूसोर की कह रहे हो आप, उसने तो तालू मैच थे हमारे गाँव में ही, उसने खरग जाटा का मैच था जो कि बहुत टॉप की टीम थी, सारे कैचर बढ़िया थे फाइटर थे, उस मैच में उसकी कोई कैच नहीं 20-5-20 का मैच था लगातार रेड मारी थी, मैंने तो लाग जाया करती ब्रह्म पहलवान भी लगती मारा करता, उसकी मैंने इतनी देखी नहीं लेकिन मैंने सुनिया उसने लगती मारा करते लोग लगती रेड, बाद में ये कर दिया भाई लगती मार ही नहीं सकता भाई, शुरू में ये करा एक रेडर दो रेड मारेगा बीच में और कोई मारो एक रेड फिर दो मारेगा, ये भी मारी है उन्होंने, लेकिन बाद में तो एक रेडर एक दूसरा भाई एक रेड मार सका उसमें वन बाय वन कर दिया, लेकिन इन्होंने ये सच्चाई है बिल्कुल मारी है भाई। आज हमारे साथ जुड़े थे हरियाणा के एक स्टार कबड्डी खिलाड़ी संजय बडेसरा जी, इनसे हमने बात करी, इनका इंटरव्यू कराया और बेबाकी से पहलवान जी ने जवाब दिया, कई बातों के खुलासे भी करे, तो पहलवान जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगे, थैंक यू वेरी मच इतना समय जो आज हमारे साथ बैठ कर बिताया और मेरे को झेलिया, मेरे उठपटांग सवालों के जवाब दिए। धन्यवाद मलिक साहब, झेलिया को नहीं आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई, मारा इंटरव्यू लिया आपने, हम तो अपना आपने भाई कौन सोचा थे भाई इंटरव्यू भी मारा भी होगा, लेकिन धन्यवाद तो आपका है,
आप रोहतक से हिसार चल के आए हो, धन्यवाद मलिक साहब। तो पहलवान जी का बड़कपन है भाई, इन्होंने बहुत ही बढ़िया कबड्डी खेली है, तो क्यों नहीं इनका इंटरव्यू होगा, जरूर होगा। तो ऐसे ही अगले किसी एपिसोड में किसी स्टार पहलवान का इंटरव्यू होगा। सारे भैया ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम है। जय कबड्डी, जय हरियाणा, जय हिंद।